फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सौरभ मेडिकल साइंस। मायसेल्फ डॉक्टर सौरभ। आज मैं फ्रेंड्स आपसे बातें करूंगा एक गायनी के टॉपिक सेल्पिन जाइटिस के अबाउट, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में सूजन के बारे में। ये सेल्पिन जाइटिस क्या है, इसके क्या काउज हैं, इसमें आपको क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, क्या इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए, क्या मैनेजमेंट है और क्या ट्रीटमेंट। आइए तो आज बातें करते हैं सेल्पिन जाइटिस। द इन्फ्लामेशन डेवलप इन फेलोपियन ट्यूब नोन एज सेल्पिनजाइटिस। जब फेलोपियन ट्यूब में सूजन हो जा रहा हो, इन्फ्लामेशन हो जा रहा हो, उसे सेल्पिनजाइटिस कहते हैं। ये सेल्पिनजाइटिस बाइलेटरल या फिर यूनिलेटरल दोनों हो सकते हैं, यानी कि आपके एक तरफ के फेलोपियन ट्यूब अफेक्टेड हो सकते हैं या फिर दोनों तरफ के फेलोपियन ट्यूब अफेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन जो देखा जाता है, राइट साइड के फेलोपियन ट्यूब ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उसके आसपास ही अपेंडिक्स होता है, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और राइट साइड में इन्फ्लामेशन ज्यादा होते हैं। सेल्पिनजाइटिस के दो टाइप्स होते हैं, हाइड्रोसेल्पिंग्स, पायोसेल्पिंग्स। हाइड्रोसेल्पिंग्स क्या होता है कि सेल्पिनजाइटिस में अगर फेलोपियन ट्यूब में वहां पे वाटर का एक्युमुलेशन हो रहा हो, उसे हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं। दूसरा पायोसेल्पिंग्स। पायोसेल्पिंग्स क्या होता है, सेल्पिनजाइटिस में अगर उस फेलोपियन ट्यूब में वहां पे पस का एक्युमुलेशन हो रहा हो तो उसे पायोसेल्पिंग्स कहते हैं। आइए बातें करते हैं किसके क्या काउज हैं जो कि ये फेलोपियन ट्यूब में इंफ्लामेशन डेवलप होते हैं। फर्स्ट है एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो रहे हो तो उस कंडीशन में आपको फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन एज लाइक गोनोकोकस, क्लेमाइडिया, स्टेफाइलोकोकस, गार्डिनेला, बी कोलाई, ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी आपको फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, डीएनसी। डीएनसी डायलेटेशन एंड क्वेरेटेज हो रहा हो या फिर डीएनआई हुआ हो या फिर यूटेराइन कैविटी में कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगा हो तो उस कंडीशन में भी आपको फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो सकते हैं। कुछ डायग्नोसिस पर्पस काउज हैं, एचएसजी, हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी। दूसरा है एसएसजी, स्लाइन सल्पिंजोग्राफी। तो उस कंडीशन में भी आपको फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो सकते हैं। ये है कुछ कॉमन काउज जिसके कारण ये सेल्पिनजाइटिस प्रोड्यूस होते हैं। आइए बातें करते हैं कि अगर कोई सेल्पिनजाइटिस से सफर कर रहे हो तो उसमें आपको क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। लोअर एब्डोमिनल पेन बोथ साइड या फिर वन साइड, आपको पेट के निचले हिस्से में दोनों तरफ या फिर एक तरफ दर्द हो सकता है। दोनों तरफ इन्फेक्टेड रहेंगे तो दोनों तरफ दर्द होंगे, एक तरफ इन्फेक्टेड रहेंगे तो एक तरफ दर्द होंगे। दूसरा सिम्टम्स आपको फीवर, नौजिया, वॉमिटिंग, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स देखने को मिल सकता है, पेन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, पिशाव करने के समय आपको दर्द हो सकता है, पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन के समय में भी आपको दर्द हो सकता है, पेन ड्यूरिंग डिफिकेशन, जब स्टूल पास कर रहे होते हैं तो उस समय भी आपको दर्द देखने को मिल सकता है। ये हैं कुछ कॉमन सिम्टम्स। साइन की बात करें तो यहाँ पे इलियक फोशा में जब आप पालपेट करते हैं तो वहां पे टेंडरनेस, पालपिटेशन देखने को मिलता है। ये हैं आपके मुख्य सिम्टम्स और साइन जो कि सेल्पिनजाइटिस के कंडीशंस में ये आपको देखने को मिलता है। अब बातें करते हैं कि इसमें आपको क्या इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए, क्या जांच कराने चाहिए। यूएसजी ऑफ लोअर एब्डोमेन, आप लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासोनोग्राफी कराएं, उससे आपको पता चल जाएगा, इन्फ्लामेशन के बारे में पता चल जाएगा। दूसरा है सीबीसी, आप कंप्लीट ब्लड काउंट कराएं, उससे भी पता चल जाएगा इन्फेक्शन के बारे में कि कौन से इन्फेक्शन डेवलप हुए हैं, वो सीबीसी से पता चल जाएंगे। आइए बातें करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के अबाउट कि अगर ऐसे साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, आप नजरअंदाज कर रहे हो तो इसमें आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट है ट्यूबल ब्लॉकेज,
आपका जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो ब्लॉक हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, वहां पे आपको ऊफोराइटिस देखने को मिलेगा, यानी कि ओवरी में सूजन हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फैलोपियन ट्यूब का सिलियरी मूवमेंट होता है वो आपके लॉस हो सकते हैं, सिलियरी मूवमेंट लॉस हो सकते हैं। ये है आपके कॉम्प्लिकेशंस, जो कि सल्पिंजाइटिस में ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं जब आप नजरअंदाज कर रहे होते हो तब। आइए बातें करते हैं कि इसमें हमें क्या मैनेजमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहला मैनेजमेंट जो है, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। आप बहुत अच्छे से साफ सफाई पे ध्यान दें, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करेंगे, अनयूजुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करें। अगर बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इंफेक्शन देखा जा रहा हो तो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन आप वहां पे यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा हाइजीन को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ये है आपके मैनेजमेंट। आइए बातें करते हैं कुछ बेस्ट मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। बेलाडोना, साइलिशिया, पायरोजिनम, ट्यूबरकुलिनम, फेरमफॉस, ये बेस्ट मेडिसिन है फॉर ट्रीटेड द सेल्पिनजाइटिस, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए ये बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर इसके अबाउट आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आशा करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। देन लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।